Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, जोश वोश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरें तो आप देखते होंगे, सुनते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, लेकिन इस खास बुलेटिन में आपको मिलेगा खबरों के पीछे का असली सच, यानी कि खबरों के पीछे की खबर। आज की सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कमलनाथ जी का दौरा था और पहुंचे थे अनूपपुर, लौट रहे थे, लेकिन अचानक कार पर हो गया हमला। किसने किया हमला, क्यों किया गया हमला और आखिरकार इसकी बड़ी वजह क्या रही? अशोक जी मौजूद हैं। अशोक जी, कमलनाथ की कार पर हमला हुआ है, किसने किया हमला और उसकी वजह क्या रही, यानी कि खबर के पीछे की खबर। जी, ये पूरा मामला अनूपपुर का है। अनूपपुर में आज कमलनाथ चुनावी सभा लेने गए थे और जब वो चुनावी सभा लेकर लौट रहे थे, उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता उनको काले झंडा दिखाने खड़े हुए थे और उसी दौरान एक कार्यकर्ता ने उनकी कार पर पथराव किया। माना यह जा रहा है कि पथराव वाली जो घटना है वो प्लान नहीं थी। काले झंडे जरूर उनको दिखाए जाने की भारतीय जनता युवा मोर्चा की योजना थी, पर पथराव अचानक से हुआ है और जिस युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने पथराव किया है उसका नाम ज्ञानेंद्र गौतम बताया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का था और 4 दिन पहले ही उसे एक केस में जमानत मिली है। अशोक जी, युवा मोर्चा की बात करें तो ये वही शायद एरिया है आसपास लगता है जहां पर युवा मोर्चा का कुछ बड़ा खुला मामला भी आया। जी देखिए, युवा मोर्चा में ये घटना ये बता रही है कि युवा मोर्चा में कुछ ऐसे तत्व आ गए हैं या ऐसे लोग आ गए हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। आपको याद होगा भोपाल में एक ध्रुव सक्सेना का केस आया था जो ISI से जुड़े हुए थे, युवा मोर्चा में पदाधिकारी भी थे। तो मेरा सोचना यह है, भारतीय जनता युवा मोर्चा को या भाजपा की टॉप लीडरशिप को अभी समझना पड़ेगा कि हमारे युवा मोर्चा में ऐसे लोग, आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए लोग इन्वॉल्व ना हो, जिससे इस तरह की घटनाएं सामने ना आए। लेकिन विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है। जिस तरह से लगातार ये कहा जा सकता है कांग्रेस के कदम आगे बढ़ रहे हैं, या कमलनाथ जी की बात करें, कमलनाथ वो नेता थे जो अभी तक एकदम हवाई जहाज में घूमा करते थे, आम आदमी तक उनकी पहुंच नहीं होती थी या आम आदमी उन तक नहीं पहुंच पाता था। अब वो जमीनी स्तर पर जाकर सभाएं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो छूट कर गए हैं कांग्रेस से 25 लोग, उनका भी एक बड़ा असर पड़ रहा है, उनके खिलाफ भी माहौल बन रहा है, तो ये बौखलाहट भी है। जी बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं हम, क्योंकि आप देखें तो 28 सीटों पर जो उपचुनाव है उनमें कांग्रेस का चेहरा कमलनाथ ही है। दिग्विजय सिंह साथ हैं पर वो समन्वय में हैं और पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के सामने तो कमलनाथ हैं। और पिछले 3-4 दिन से आप जब देख रहे हैं कि वो बदनावर गए, उन्हें अच्छा जस समर्थन मिला, भांडेर गए, अच्छी भीड़ आई, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कमलनाथ को ग्राउंड पर समर्थन मिल रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी सी बौखलाहट तो दिख रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब वोटर साइलेंट हो जाता है तो स्थिति बदल सकती है, तो ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि कमलनाथ की मेहनत कितनी रंग लाती है। लेकिन यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार जीत के लिए सब कुछ कर रही है। अब तो कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदू का एजेंडा भी अपना लिया, उमा भारती की काट भी ढूंढ ली गई है और वो काट मिली हुई है उन्हें बड़ा मलेरा क्षेत्र में। एक उम्मीदवार बनाई गई है रामसिया, क्या है हमारे साथ धर्मेंद्र, क्या है पूरी कहानी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मलेरा सीट से एक चौंकाने वाले नाम के उम्मीदवार की घोषणा की है। उनका नाम है रामसिया भारती। अब इनको कहा भी जा रहा है कि कांग्रेस का जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला ट्रेंड जो अपना रही है कांग्रेस, उसके तहत कांग्रेस का ही ट्रंप कार्ड है, क्योंकि लोधी समुदाय से वो आती हैं और लोधी समुदाय की वोट बैंक की वहाँ अच्छी खासी संख्या है। तो हालांकि अब इसको ये नहीं कह सकते कि लोधी समुदाय वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने ये सब किया है, क्योंकि इतने ही वोट बैंक यादव समुदाय के भी हैं। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि कांग्रेस ने जो चाल चली है इस पूरे चुनाव के दौरान वो ये है कि उमा भारती की काट ढूंढने के लिए उन्होंने, यानी भगवा के सामने भगवा, जी बिल्कुल, भगवा वर्सेस भगवा की लड़ाई अब कांग्रेस सॉफ्ट तरीके से खेल रही है। और चूंकि जो है साध्वी जो रामसिया भारती हैं वो छतरपुर जिले में बड़ी चर्चित रही हैं, उनका एक बमनी घाट जो वहाँ पे जहाँ आश्रम है वहाँ वो रहती हैं और उमा भारती को की दुर्विरोधी मानी जाती हैं। और पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था, मतलब उन्होंने कमलनाथ पर आरोप लगाया था
कि कमलनाथ से कह के उमा भारती ने मेरा टिकट कटवा के प्रद्युम्न सिंह लोधी को टिकट दिलवाया। अच्छा, एक बड़ा सवाल और उठता है धर्मेंद्र, ये बताइए कि जो भगवा वाली बात हम कर रहे थे, इसका प्रभाव माना जा सकता है कि चलिए छतरपुर में पड़ सकता है या बड़ा मलहरा सीट पे भी पड़ सकता है, लेकिन क्या प्रभाव 28 सीट पे भी पड़ सकता है, क्योंकि अब एक भगवा चेहरा लाया गया है सामने, यानी कि उमा भारती की बड़ी कार्ड सामने लाई जा रही है। देखिए, उमा भारती उस सीट से विधायक रह चुकी हैं, खासकर बड़ा मलहरा सीट से, छतरपुर जिले में और छतरपुर जिले के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में लोधी वोट बैंक में उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे तो उनका प्रभाव कम होता जा रहा है और बड़ा मलहरा सीट पर ऐसा कहा जा रहा है कि उनका प्रभाव अब और ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि साध्वी वर्सेस साध्वी का मामला हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक उन्हीं की काट है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी का जो हिंदुत्व कार्ड है उसकी काट है, यानी कि हिंदुत्व कार्ड को कांग्रेस भी खेल रही है। क्या करें साहब, मजबूरी है, जीतना है, सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि बीजेपी भी एक कदम बढ़ा रही है, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो महाराजा साहब की बात करते हैं, महाराजा साहब से मिलना पहले आसान नहीं होता था, बड़ी बड़ी सभाएं लिया करते थे, सिर्फ बड़ा ही आदमी या बड़ा ही नेता उनसे मिल सकता था, लेकिन अब हालात ये हैं कि मंडल स्तर के सम्मेलनों को संबोधित करेंगे, वहां जाकर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, और ये मजबूरी है सिर्फ अपनी गढ़ बचाने के लिए। अशोक जी, सिंधिया साहब, महाराजा साहब पहले अच्छे नहीं मिल पाते थे, अब कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाएंगे, क्या सिर्फ गढ़ बचाने की पूरी जुगत? जी सर, आप गढ़ बचाने की जुगत कह सकते हैं, और यह कह सकते हैं कि अपने आप को इस्टेब्लिश करने की जुगत भी है। उन्हें पता है कि 25 विधायक उनके कहने पर भाजपा ने टिकट दिए हैं, 25 विधायकों को भाजपा में आने के बाद अब जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा उनको जिताने की है, तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की है, क्योंकि आपने पहले पता है आपको भी कि जो भाजपा का सर्वे आया था उसमें भी सिंधिया समर्थक विधायकों का प्रदर्शन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बताया जा रहा था, उनका फीडबैक नेगेटिव था, पर उसके बाद भी उनको टिकट मिला है, यानी सिंधिया जी का दबाव काम कर गया है। तो मान जाएंगे ये कार्यकर्ता, मान जाएंगे जो रूट हैं वो मान जाएंगे कि सिर्फ मेल मुलाकात? जी, सबसे बड़ा चैलेंज यही है, उन्हें भी पता है कि ये मानना बहुत मुश्किल है, और भाजपा को भी ये पता है कि कोऑर्डिनेशन हम ऊपर से तो कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर कोऑर्डिनेशन कितना रंग लाता है ये अभी रिजल्ट ही बताएगा, पर सिंधिया साहब को मेहनत इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि ये पूरा चुनाव सिर्फ उन पर ही फोकस है, या ये कह सकते हैं कि ये पूरा चुनाव उनका राजनीतिक भविष्य तय करेगा, यानी गुरु लगे रहो भगवान भली करेगा। इसके अलावा भी एक बड़ी खबर है, वो है कोरोना से जुड़ी हुई, यहाँ साहब चुनाव चल रहे हैं, लगातार सभाएं चल रही हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उनके समर्थक जुट रहे हैं, कहीं भी कोरोना के निर्देशों को लेकर कोई चिंता नहीं, ये हालात हैं कि कोरोना का आंकड़ा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। विकास जी, आज आप चिंता कर रहे थे कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, क्या है खबर के पीछे का खबर? जी हाँ, क्योंकि राजधानी भोपाल में पिछले दो दिन से बड़ी राहत की खबर थी, कोरोना के मामले पॉजिटिव केस 200 से नीचे चले गए थे, लेकिन आज अचानक ये मामले 300 के आसपास हो गए। इसके साथ ही सीएम हाउस का एक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दूसरी तरफ कल कमलनाथ और कांग्रेस के कुछ नेताओं पर FIR भी दर्ज की गई है, और इसकी वजह थी कि उनकी रैलियों में ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ का इकट्ठा होना, और चुनाव आयोग ने जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी की है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों संजीदगी से नहीं लिया जा रहा, क्या सियासत ही सब कुछ है, क्यों नहीं देख रहे हैं अपने समर्थकों की, और उनको भी तो नुकसान होगा, आम जनता को भी होगा? देखिए, इसकी एक वजह यह है, एक तो लगभग 6 महीने का ये पूरा दौर हो चुका है कोरोना का, और दूसरा रिकवरी रेट 85% है, पहले ये था कि जिसको कोरोना होगा उसकी मौत हो जाएगी, तो ये डर एक पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, तो लोगों ने भी इसे कैजुअली लेना शुरू कर दिया, और प्रशासन भी, अब भोपाल में लगभग 50 से ऊपर फीवर क्लिनिक हैं, लेकिन कई फीवर क्लिनिक की हालत ये है कि दोपहर के बाद वहाँ कर्मचारी और डॉक्टर ही नदारद होते हैं। यानी कि सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, आप भी मास्क लगाए रखें, 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, रिया का नाम सुना होगा आपने, हर चैनल पर, हर पत्रिका में, हर समाचार पत्र में नजर आया था, और रिया केस इतना उछला था कि दिन भर बात होती थी तो रिया की, लेकिन अब रिया को जमानत मिल चुकी है एनसीबी का जो केस था उस मसले में। इसके अलावा भी कहा जा सकता है कि एक राजनीतिक मुद्दे की भी हवा निकल चुकी है, आयुषी मौजूद है, आयुषी, रिया का नाम खूब उछला, क्या है खबर के पीछे का सच,
कि आखिरकार क्यों उछाला गया। बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती को आज जमानत दे दी गई है, लेकिन जमानत सशर्त जमानत दी गई है उनको। और अभी तक जब से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था उसके बाद से जो राजनीतिक मुद्दे निकल के आ रहे थे इस हत्याकांड के बाद से, ऐसा लग रहा था कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में अटकेगा, लेकिन आज रिया चक्रवर्ती को जो जमानत दी गई है उसके बाद से लग रहा है कि बिहार चुनाव अब सिर्फ बिहार के मुद्दों पर ही होगा। बिल्कुल, बिहार चुनाव आने वाले थे इसलिए ये मुद्दा खूब उछला, यानी कि वहाँ के DGP थे उन्होंने भी इस मुद्दे को खूब तूल दिया। हालांकि अब वो रिटायर हो चुके हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के अब वो सदस्य भी हैं, यानी कि इस मसले को कहा जा सकता पूरी तरह से राजनीतिक बनाया गया। आपको क्या लगता है अब जब ये पूरा मसला खत्म होने जा रहा है तो आगे असर क्या पड़ेगा? आगे अभी तक ये था कि सुशांत की मौत के बाद से जो राजनीतिक बयान और ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी उससे लग रहा था कि बिहार चुनाव इसके आसपास ही घूमेगा, लेकिन आज रिया को जमानत मिलने के बाद से अब बिहार चुनाव वहीं बिहार की ही प्रतिक्रियाओं पर होगा। चलिए, यानी कि इस मुद्दे की हवा निकल गई, लेकिन आपने एक गाना सुना होगा तेरी आँखों का ये काजल, इस पे आप खूब नाचे भी होंगे और एक चेहरा भी आपको याद होगा इस गाने से निकल कर आता है और वो चेहरा आज काफी कह सकते हैं सुर्खियों में। क्यों है सुर्खियों में, जानिए। बिल्कुल, सपना चौधरी का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। सपना चौधरी आज माँ बन गई, उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। इसकी इससे आज दो खुलासे हुए हैं। उनके पति वीर साहू ने फेसबुक लाइव के जरिए बताया कि उन सपना माँ बन चुकी हैं, और दूसरा साथी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि उनकी शादी भी हो चुकी है। तो वीर साहू के साथ वो काफ़ी पिछले 4-5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थी और उन्होंने जनवरी महीने में शादी भी रचा ली थी। आयुषी, बधाई देना बनता है। बिल्कुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सपना। बिल्कुल, फिलहाल हमें दीजिए विराम, लेकिन यदि आप देखना चाहते हैं खबरों के पीछे की खबर तो देखते रहिएगा जोश होश का ये खास बुलेटिन।